हेलो। तो दोस्तों, मधुबनी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं, एक नया वैकेंसी नया अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज जो है पटना समाहरणालय से ये वैकेंसी का अपडेट लेकर के आए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल टेलीग्राम का जो चैनल है मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से, मधुबनी स्टडी सेंटर मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे वहां पे सर्च मार के इसको ज्वाइन करके रहिए, वहां पे आपको हर एक प्रकार का पीडीएफ फाइल सारा चीज आपको देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो है पोस्ट क्या रहने वाला है, सैलरी क्या, एलिजिबिलिटी क्या, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी जो है अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके जो समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या आउटसोर्सिंग हो, ये हर एक प्रकार का अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, संविदा हो या होता है कि प्राइवेट ठीका वाला जॉब हो प्राइवेट से, वो सारा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की वैकेंसी की और देखते हैं इसमें जो नोटिफिकेशन है, हम उसी से रिलेटेड जो है सारा चीज बताएंगे, उसमें क्या है जॉब का कंडीशन, क्या क्राइटेरिया क्या है, कौन सा पोस्ट रहने वाला है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए सैलरी क्या मिलने वाला, ये सारा चीज़। तो पोस्ट के बारे में अभी बताएंगे आपको, कौन कौन सा पोस्ट है, समाहरणालय का वैकेंसी है तो आपको जो है अच्छा खासा इसमें जो है पोस्ट देखने को मिलेगा। तो समाहरणालय से वैकेंसी, इसमें सैलरी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है। एलिजिबिलिटी में 10+2, अभी अंदर में नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन और क्या क्या रहने वाला है। 10+2 तो दिया ही है, इसके साथ साथ और भी कुछ है जो सारा चीज अभी हम आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर, और इसका फॉर्म भी आ गया है, तो फॉर्म को कैसे क्या करना है ये सारा चीज अभी हम बताने वाले हैं। तो ये रहा इसका जो है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया कि पटना समाहरणालय जिला बाल संरक्षण इकाई पटना, तो जिला बाल संरक्षण इकाई से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका जो दिनांक है करेंट डेट में जो है 16/8/2024 को ये रिलीज किया गया है, 16/8/2024 को ये रिलीज हुआ है। इसमें बताया गया है प्रेषक में कि सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सूचना भवन नया सचिवालय पटना, इनको जो है लिखा गया है, विषय में दिया गया है कि बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा के आधार पे, तो कैसे वैकेंसी होगा, संविदा के आधार पे कर्मियों के नियोजन से संबंधित सूचना राज्य स्तरीय अखबार में प्रकाशित करने के संबंध में। तो ये जो सूचना दिया है कि पेपर में जो है इसका सूचना के बारे में जानकारी देने के संबंध में दिया हुआ, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति पटना के पत्रांक 540 दिनांक 5/7/2024 के द्वारा मिशन वात्स्य योजना अंतर्गत बाल देख रेख संस्था में संविदा के आधार पर कर्मियों के नियोजन से संबंधित कार्रवाई की जानी है। तो कर्मियों का जो नियोजन करने के संबंध में कार्रवाई की जानी है। निम्नांकित संविदा आधार अस्थायी पदों के लिए विनिर्धारित योग्यता एवं मापदंड के अनुरूप नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो इसके लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि विज्ञापन से संबंधित प्रकाशन विहित प्रपत्र राज्य के दो प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र के सभी अंकों में इसी प्रकाशित करवाने की कृपा की जाए। तो पेपर में जो है इसको
मतलब कि आउट करने के लिए जो है ये संबंध, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इससे आगे भी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, इसका क्राइटेरिया कौन सा पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, ये सारा चीज अभी हम आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो समाहरणालय का ही अभी नोटिस है, देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 2/2024, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, निदेशक समाज कल्याण, सह उपाध्यक्ष राज बाल संरक्षण समिति विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 540, दिनांक 4/7/24 के आलोक में पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह पटना के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पद पर सुयोग्य अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो अभी इसका डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया, जो भी जैसे भी होगा इसका हर एक अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो देखिए ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर जो है 5 और 6, इधर 7, मतलब टोटल 7 जो है सीरियल नंबर दिया गया है। तो इसमें जो है नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहने वाला, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज और सैलरी, ये सारा चीज जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो इसमें जो अभी हम बता रहे हैं कि पहला नंबर का जो पोस्ट है एडुकेटर पर टाइम का पोस्ट रहने वाला है, आर्ट क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर का पोस्ट होने वाला है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर का पोस्ट रहने वाला है, कुक का पोस्ट होने वाला है, हेल्पर नाइट और वॉचमैन का जो है पोस्ट रहने वाला है, पीटी इंस्ट्रक्टर योगा ट्रेनर पार्ट टाइम मतलब इसका पोस्ट होने वाला है, और हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का पोस्ट होने वाला है इसमें। तो एडुकेटर का जो है क्वालिफिकेशन जो है 10+2 विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED और बैचलर इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके लिए जो है UR में एक सीट है, एबव 18 ईयर मतलब एज का जो है 18 ईयर एंड एबव, उससे ऊपर के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। अगर 10+2 और DLED है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको ₹10,000 पे किया जाएगा। उसके बाद आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक टीचर का जो पोस्ट है इसमें 10+2 विथ सीनियर डिप्लोमा आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो इसका जो है क्वालिफिकेशन ये रहने वाला है, UR में एक पोस्ट है, 18 ईयर्स एबव के इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है, 10,000 इसका भी सैलरी है। योगा ट्रेनर के लिए 10+2 एंड डिप्लोमा डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 10+2 एंड डिप्लोमा डिग्री होना कंपलसरी है। UR में एक सीट है, 18 से एबव ₹10,000 इसका भी सैलरी होने वाला है। उसके बाद कुक के लिए जो है एक सीट है UR में, अप टू 45 ईयर मतलब 45 ईयर तक जो है इसमें उसके लिए सैलरी जो है 9,930 रुपया है। हेल्पर के लिए जो है 7,944 रुपया है। उसके बाद योगा ट्रेनर के लिए जो है UR में एक सीट है, 18 से एबव 10,000 इसका भी सैलरी मिलेगा, और नाइट में जो है वॉचमैन के लिए 7,944 रुपया इसका भी सेम है। तो ये रहा पोस्ट, ये रहा इसका क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, एज का क्राइटेरिया बता दिया गया है, सैलरी भी बता दिया गया है। तो इसमें जो है नियोजन अवधि मानदेय आधारित उपयुक्त सभी पद संविदा आधारित अस्थायी पद होंगे, जिन्हें आवश्यकता अनुसार संतोषजनक कार्य अथवा विभागीय निर्देश के आलोक पर विस्तारित किया जा सकेगा। तो संतोषजनक रहा काम में तो उसको विस्तारित किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इसमें दिया नहीं हुआ अभी कितना ईयर का है, बाकी आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो इसमें चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, तो चयन प्रक्रिया भी देख लेते क्या है। पदभार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित न्यूनतम अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो साक्षात्कार के पद पे ये वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा, जो क्वालिफिकेशन बताया गया अगर वो आपके पास है तो इस पे जो आप साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर दिया जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो जो भी साक्षात्कार का डेट आएगा, इंटरव्यू का डेट आएगा, वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू बता दिया जाएगा। इस कार्यालय के द्वारा किसी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, मतलब डाक के द्वारा इस कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार काउंसिलिंग में भाग लेने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा।
तो इसमें जो बताया जा रहा है कि काउंसलिंग, या जैसे कि आप फॉर्म जमा करने के लिए जाइएगा तो एक्स्ट्रा उसको भत्ता नहीं मिलेगा। मानदाई के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवा माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित हुए कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो इसमें ये सारा क्राइटेरिया दिया हुआ, विज्ञापन एवं शर्त से संबंध सभी अधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के अधीन है। जिला बाल संरक्षण इकाई पटना विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है, वो रद्द भी कर सकता है। विभागीय द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन अस्थायी समाप्त माना जाएगा। मतलब अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर निकाला जाता है तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालन के संबंध में किसी भी तरह के लिए गए निर्णय निर्देशक के उपयुक्त नियोजन प्रभावित होगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पद का उल्लेखन करते हुए 27/8/2024 तक अपना आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए, ये जो है इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है requirement@ccipatna.gmail.com पर समर्पित करें। तो ये एक मेल दिया हुआ है, तो मेल पे आप भेज सकते हैं, मेल पे आप इसको भेज सकते हैं करेंगे। और वार्ड कॉपी निबंधित डाक के द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना विकास भवन द्वितीय तल गांधी मैदान इतना के पता पर भेज सकते हैं। तो ये जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, हाँ, जिला बाल संरक्षण इकाई का, उस पर आप भेज सकते हैं। उपयुक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। इस टाइम के बाद जो है पत्र स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होगा। एक से अधिक पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो अलग अलग उसका जो आवेदन मान्य होगा। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो जो भी आप फॉर्म भरिएगा तो उसका एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। नियोजन के समय उपलब्ध कराए हुए सूचनों के गलत पाए जाने पर स्थिति में नियोजन समाप्त करने हेतु विधि सम्मन कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप इसमें कुछ गलत करते हैं तो उस पर आपको कार्रवाई भी किया जाएगा। तो सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के द्वारा जो है, ये देखिए साइन वाइन करके आया है। तो ये था आज का जो है वैकेंसी, और ये रहा इसका फॉर्म। देखिए ये इसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म को फिलअप करके जो ईमेल आईडी बताया गया वहाँ पे आप जो है भेज सकते हैं। तो ये था आज का अपडेट, और इसी अपडेट के साथ जो है ये सारा चीज बताएंगे इसमें कि संस्था का नाम, जो संस्था बाल संरक्षण इकाई पद का नाम, कौन किस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं तो इसमें पोस्ट का नाम भर दीजिएगा। आवेदक या आवेदिकी का नाम हिंदी में पहले अपना नाम डालिए, फिर अंग्रेजी में डालिए, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, पुरुष महिला है या पुरुष ये डालना है इसमें, जन्म तिथि कुल मतलब वर्ष माह और दिन ये सारा चीज भरना है, कोटि कौन सा है इसमें आपको टिक लगाना है, इसमें पता है ये आपका जो अस्थाई पता है वो डालना है, पत्राचार का पता ये इसमें आ जाएगा, ग्राम जिला मोबाइल नंबर ये सब आप खुद भी भर सकते हैं। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया है, तो मैट्रिक इंटर स्नातक अगर अधिक है तो अधिक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में ज्ञान, एमएस ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता हाँ या नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। संबंधित क्षेत्रों में अनुभव अगर है तो हाँ, कितने वर्ष का इसमें भर देना है, बस यही तो फॉर्म फिलअप करना है और कुछ नहीं, साइन मोर करके दिनांक डाल के इसको भेज देना है। तो ये था आज का अपडेट। तो इसी प्रकार का नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।